हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे साम्स के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर हो चुका है ये साम। जिस तरीके से डायनाबोल पॉपुलर हुई थी, उसी तरीके से आज मार्केट में साम्स पॉपुलर हो चुका है। आज हम बात करेंगे क्या ये हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, क्या ये सेफ है क्या नहीं है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये एक तरह का हार्मोन है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में एचजीएच काम करता है, वो क्या करता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर देता है। उससे हमारा मसल्स गेन होता है और फैट लॉस होता है। सेम उसी तरह जो है साम्स भी हमारी बॉडी में काम करता है। ये भी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, उससे हमारा फैट लॉस होता है और मसल्स गेन होता है। जब हमें एचजीएच साइड इफेक्ट दे सकता है, तो साम साइड इफेक्ट क्यों नहीं दे सकता। ज़्यादा एचजीएच की डोजेज लेने से भी हमें शुगर हो सकता है और हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, उससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो साम्स भी तो सेम वही काम कर रहा है हमारी बॉडी में, तो उसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसलिए इसको इनटेक अभी मत करो। जो इनटेक कर रहा है उसको जो है लो डोजेज से अपनी रखनी चाहिए, हाई डोजेज पे नहीं जाना चाहिए, ये समझ के कि इसके तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। देखो, आपकी बॉडी है, आपके हाथ में है, यहाँ वहाँ से सुन के अपना फ्यूचर अपनी बॉडी खराब मत करो, क्योंकि साम्स के साइड इफेक्ट अभी सामने आए ही नहीं हैं, क्योंकि इसको मार्केट में आए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, इसलिए जो है अभी साम्स की हाई डोजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डोजेस कम करो या इसको इनटेक मत करो, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट अभी नहीं पता कि क्या हो सकते हैं, ये सेफ नहीं। तो साम समय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखो साम समय नहीं लेना चाहिए। खासकर उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जिनकी एज अभी 15, 16, 17 साल है, जो जिम में अभी ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे और हम साम्स इनटेक करेंगे, हमारी मसल्स जो है जल्दी गेन हो जाएगी, फैट जो है जल्दी लॉस हो जाएगा। तो उनकी थिंकिंग ये बहुत गलत है, खासकर ये उनके लिए है, उनको साम्स अभी इनटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बता रहा था कि साम्स सेफ नहीं है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों।